नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब सकुशल होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की वर्कशीट की तरफ। आज दिन है मंगलवार और तारीख है 3 अगस्त 2021। ये वर्कशीट नंबर है 37। ये वर्कशीट आपकी मैथ्स की वर्कशीट है। वर्कशीट शुरू करने से पहले कुछ बेसिक डिटेल्स ज़रूर भरिएगा, जैसे क्लास 5 के साथ अपना सेक्शन लिखिए, अपना नाम और अपने टीचर का नाम। अब बढ़ते हैं वर्कशीट की तरफ। सबसे पहले है हमारे पास चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं और इन दोनों ही चित्रों में से दूसरे चित्र में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, जिसकी गलतियों को आपको ढूँढना है और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ लिख कर साझा करना है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग पर। नाम है चेतन का संदेश। चेतन को अपना एक बहुत ज़रूरी संदेश अपने मित्र महेश तक पहुंचाना है, लेकिन वो यह नहीं चाहता कि कोई और इस संदेश को पढ़े। उसने इसका एक रास्ता निकाला और यह जादुई संदेश पत्र लिख दिया। संदेश को पढ़ने के लिए महेश को ये सारे सवाल हल करने होंगे। इस संदेश को पढ़ने में आप भी महेश की मदद कीजिए। पहला सवाल हल करके दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं पहला सवाल है घटा का सवाल, जिसमें 53 में से 41 घटाया गया है और आंसर में आया है 12। यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट इंग्लिश का लिखा गया है आई। अगला सवाल 73 में 46 जमा करने हैं और जमा करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके साथ अल्फ़ाबेट है ओ। ऐसे ही आपको बाकी के सवालों को हल करना है। हर हल किए गए सवाल के साथ एक अल्फ़ाबेट लिखा है। जब आप सवाल हल करेंगे तो जो आंसर आएगा उसके साथ दिए गए अल्फ़ाबेट को आप नीचे दी गई तालिका में लिखेंगे। चलिए ज़रा देखते हैं आगे क्या है। अब इसके उत्तर के साथ दिए गए अंग्रेज़ी के अक्षरों को नीचे दिए गए अक्षरों के साथ सही स्थान पर लिखना होगा। जैसे पहले सवाल के उत्तर के साथ उसका अंग्रेज़ी अक्षर लिख दिया गया है। देखो पहला आंसर क्या है 12, तो 12 आया तो उसके साथ हमने लिख दिया आई। इसी तरह से अगला ब्लॉक जो है उस पर क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब वहाँ कुछ नहीं लिखना। उससे अगले ब्लॉक में है 112, तो अगर किसी भी सवाल का ऊपर दिए गए किसी भी सवाल का आंसर 112 है तो आपको उसके साथ दिए गए अल्फ़ाबेट को नीचे लिखना है। ऐसे ही जिस सवाल का जवाब 119 होगा उस जवाब के साथ दिए गए अल्फ़ाबेट को आपको 119 के नीचे लिखना है। इस तरह से आप सभी अल्फ़ाबेट्स एक एक करके नीचे लिखेंगे और आपका ये संदेश पूरा हो जाएगा। तो चलिए संदेश पूरा करने के बाद आप चेतन के संदेश को नीचे दी गई लाइन में लिखेंगे और उसके बाद उसे पढ़कर भी सुनाएंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को इसी प्रकार से एक जादुई संदेश बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो यह है आपकी आज की वर्कशीट, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।